और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स इन पाइथन। सो स्ट्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप होता है किसी भी लैंग्वेज में। सो विच एवर लैंग्वेज यू आर वर्किंग इन, जब आपको कैरेक्टर्स पे वर्क करना है, सो स्ट्रिंग्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जब आप कैरेक्टर्स को स्टोर करते हो फॉर एनी पर्पज, लाइक से किसी का नाम है, एड्रेस है, ईमेल आईडी है, व्हाटएवर, सो दैट इज अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एस में स्टोर किया हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग्स जो है वो डबल कोट्स में आती है इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस। जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कैरेक्टर और स्ट्रिंग में, कैरेक्टर का मतलब होता है एक सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग का मतलब होता है एक से ज्यादा कैरेक्टर्स। सिंगल कैरेक्टर कैन बी गिवन इन सिंगल कोट्स एंड मल्टीपल कैरेक्टर्स कैन बी गिवन इन डबल कोट्स, लेकिन पाइथन में ये डिफरेंस नहीं है। पाइथन में आपके पास कैरेक्टर जैसा कुछ नहीं है, यू हैव स्ट्रिंग्स। तो एक कैरेक्टर हो या दो कैरेक्टर हो, आपकी मर्जी है, आप सिंगल कोट्स भी लगा सकते हो, डबल कोट्स भी लगा सकते हो, बोथ विल वर्क फॉर द सेम पर्पस। बोथ सेज कि हम जिस वैल्यू पे काम कर रहे हैं वो वैल्यू एक स्ट्रिंग है। सो दैट इज योर स्ट्रिंग। सो एस इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड से एस में हेलो वर्ल्ड स्टोर हो जाएगा। आप उसको प्रिंट करना चाहते हो तो जैसे हम किसी भी और वैल्यू को प्रिंट करते हैं वैसे ही उसको प्रिंट कर सकते हैं। सो यू कैन सी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। कुछ प्रीडिफाइंड मेथड्स एंड फंक्शंस हैं इसके साथ भी। जैसे एक फंक्शन है लेंथ, वो आपको बताएगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन इट। सो अगर मैं लेंथ एस करती हूँ तो हेलो वर्ल्ड लेंथ एस से 5 हेलो में है, 5 कैरेक्टर्स वर्ल्ड में और एक स्पेस हुआ तो टोटल 11 कैरेक्टर्स हैं, प्रिंट हो गया। देन यू हैव डिफरेंट मेथड्स टू बी परफॉर्म्ड ऑन इट। लाइक लोअर एक मेथड है, हमारी स्ट्रिंग ऑलरेडी स्मॉल लेटर्स में ही है बट अगर कुछ कैपिटल में होता तो ये पूरी स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। देन यू हैव अपर, अपर कन्वर्ट्स इट टू कैपिटल लेटर्स। फिर आपके पास एक मेथड है रिप्लेस। रिप्लेस मेथड जो है ये क्या करता है? रिप्लेस मेथड विल कन्वर्ट वन लेटर टू अनदर लेटर। जैसे अब ये हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है और मैं इसमें कहती हूँ कि जहां जहां पर भी एल आता है उसकी जगह पर कोई और लेटर आ जाए, लेट्स से उसकी जगह पर स्लैश आ जाए। सो इफ आई रन दिस, आप ये देख रहे हो इट्स हेलो वर्ल्ड। सो जहां जहां पे एल था वहां पर स्लैश आ गया। सो ये तो बेसिक मेथड्स या फंक्शंस हैं आपके पास जो आप स्ट्रिंग्स पे यूज कर सकते हो। बट हम स्ट्रिंग्स पे ऑपरेशंस क्या करना चाहते हैं तो वहां हम स्ट्रिंग्स को यूज करेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहती हूँ कि एक स्ट्रिंग इनपुट करो यूजर से और काउंट करो कि उसमें कितने वॉवल्स हैं, दैट इज ए ई आई ओ यू कितनी बार आता है। सो आपको क्या करना है? प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग। सो हाउ डू वी डू दैट? मैंने यहाँ पर एक एस टी आर ले लिया, यूजर से पूछा एंटर अ स्ट्रिंग। सो यूजर ने एक स्ट्रिंग एंटर की, ठीक है। अब मुझे एक लूप चाहिए जो हर कैरेक्टर के लिए चाहिए चले। सो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपका फॉर लूप बहुत ईजी होता है यूज करना। आप क्या लिखोगे? फॉर सी एच इन एस टी आर। जब मैं लिखती हूँ फॉर सी एच इन एस टी आर तो ये लूप उतनी बार चलेगा जितने कैरेक्टर्स आपकी स्ट्रिंग में है। हर बार सी एच में एक कैरेक्टर आएगा। सो अगर यहाँ पे मैं कुछ भी करना चाहूँ उस कैरेक्टर पे तो आई कैन परफॉर्म दैट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिर्फ प्रिंट करके दिखाती हूँ, मैंने सिर्फ इतना लिखा है एंड आई रन दिस कोड एंड आई एंटर पाइथन। ओके, एंड यू वुड सी पी वाई टी एच ओ एन, इट्स शोइंग इट ऑन सेपरेट लाइन्स। पर मुझे ये नहीं शो करना है, मुझे तो काउंट करना है कि वॉवल्स कितने हैं। तो मैं एक इनिशियली काउंट ले लेती हूँ जीरो और यहाँ पर इसे प्रिंट कराने की जगह मैं चेक करती हूँ कि इफ सी एच इज इक्वल टू ए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि आपकी जो इक्वालिटी है वो डबल इक्वल टू से चेक होती है पाइथन में, ठीक है। सो इफ सी एच इज इक्वल टू ए और सी एच इज इक्वल टू ई और सी एच इज इक्वल टू आई और सी एच इज इक्वल टू ओ और सी एच इज इक्वल टू यू। अगर आप सोच रहे हो कि आप ऐसे लिख सकते हो फॉर सी एच इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, सो और लगा के नहीं लिख सकते हम, पर इसको लिखने का एक और छोटा तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ भी कैसे। बट दिस इज द फर्स्ट एंड द ईजिएस्ट वन। सो वी राइट काउंट प्लस इक्वल टू वन, लूप से बाहर आकर हमने इसको प्रिंट करा दिया काउंट को, ठीक है। सो अगर आप एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामर हो सी सी प्लस प्लस वाले तो ये मेथड आपको ईजी ही लगेगा, बट इफ आई गो फॉर द पाइथन मेथड आई हैव एन ईजियर मेथड देन दिस एज वेल।
सो अभी मैंने एंटर किया सिंपल, सिंपल में एस तो नहीं है आपका, ए ई आई ओ यू आई है तो काउंट इंक्रीज होके 1 हो जाएगा, एम नहीं है, पी नहीं है, एल नहीं है, ई है तो काउंट फिर से इंक्रीज होगा, 2 हो जाएगा। जब ये लूप खत्म हो गया तो काउंट की वैल्यू आएगी 2। अब इसी लाइन को मैं थोड़ा और छोटा भी कर सकती थी, ये जो मैंने लिखा है फॉर सी एच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई एंड ऑल, सो इसकी जगह पर मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, और इसकी जगह पर आई कुड हैव रिटन इफ सी एच इन ए ई आई ओ यू, सो दिस वुड ऑल्सो डू द सेम थिंग। सो ये बहुत छोटा है, आप खुद देख सकते हो ऊपर वाली वैल्यू के कंपैरिजन में, दिस वन इज मच स्मॉलर बट इट गिव्स द सेम आंसर। और इसका मतलब भी वही है कि अगर सी एच इनमें से किसी में भी है, ये लिस्ट की तरह काम करता है, हमने लिस्ट में इन किया था तो ये देखता है कि इफ सी एच इन एनी ऑफ दीज वैल्यूज तो ट्रू देगा, और ट्रू देगा तो काउंट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर फॉल्स देगा तो काउंट इंक्रीज नहीं होगा। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो अब आपको ये वाली लाइन की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने उसको कमेंट कर दिया था, सो इवन इफ वो लिखी भी थी तो वो वर्क नहीं करती, एंड कमेंट हम करते हैं बाय गिविंग अ हैश साइन। ओके सो इफ यू रन दिस एंड आई एंटर हेलो वर्ल्ड, सो देयर आर 3 वोवल्स, दैट्स ई ओ एंड देन अगेन ओ, इफ आई एंटर अंजलि there are also 3, A, N, J, A, L, I. So there are 2 times A, 1 times I. Okay? अब इसमें ये है कि अगर मैंने capital डाल दिया, मैंने अंजलि ऐसे लिख दिया, तो ये दिखाएगा 2 vowels. क्यों? क्योंकि उसने capital A को बीच में consider नहीं किया, पर आप चाहते हो कि ऐसा हो, so you can do one thing. आप यहाँ पे लिख सकते हो str.toLower. So, str.lower लिखने से क्या होगा कि हमने खुद ही पहले स्ट्रिंग को स्मॉल में कन्वर्ट कराया और फिर उसमें चेक कर लिया, तो अब अगर आप ऐसे पे लिखोगे तो आंसर ठीक आएगा। मींस एनी ऑफ द केसेस यू कुड चेंज, चाहे आप पहले सबको लोअर में कर लो या सबको अपर में कर लो और फिर उसके साथ ही कंपेयर कराओ, ताकि आपका आंसर केस सेंसिटिव ना हो, वो जो भी यूजर एंटर करे अकॉर्डिंगली वो मैच कर ले। सो दैट्स हाउ वी वर्क विद स्ट्रिंग्स इन पाइथन। एक और काम हम कर सकते हैं, जैसे आपके पास बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, उसमें काफी सारे वर्ड्स हैं, एंड यू वांट टू स्प्लिट इट इनटू अ लिस्ट, सो यू कैन डू दैट एज वेल। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हाउ आर यू, और इससे पहले भी है से हेलो हाउ आर यू, एंड आई वांट कि ये किसी लिस्ट में आ जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लिस्ट इज इक्वल टू str.split। ओके, बाय डिफॉल्ट वो स्पेसेस के बेसिस पे स्प्लिट करता है, अगर आप किसी और लेटर के बेसिस पे स्प्लिट करना चाहते हो तो आप वो लेटर को यहाँ स्प्लिट के साथ ब्रैकेट्स में दे सकते हो, तो उस लेटर पे स्प्लिट करेगा, बट बाय डिफॉल्ट इट स्प्लिट्स ऑन द स्पेस। सो ये देख रहे हो आप आउटपुट में क्या आया, इट्स अ लिस्ट जिसमें चारों वर्ड्स एक अलग अलग एलिमेंट बन गए, तो लिस्ट 0 अगर मैं प्रिंट करूंगी सो इट विल जस्ट प्रिंट हेलो, अगर मैं लिस्ट 2 प्रिंट करूंगी सो इट विल प्रिंट आर, सो इट हैज बिकम अ लिस्ट। कभी भी आपको स्ट्रिंग में से वर्ड्स निकाल के लिस्ट में कन्वर्ट करने हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप एक प्रोग्राम ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई करो टू गेट रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। सो जस्ट फाइंड आउट कि अगर आपको स्ट्रिंग का रिवर्स निकालना है, अगर मैंने हेलो इनपुट किया है तो वो ओ एल एल ई एच प्रिंट करे, वो हम कैसे कर सकते हैं, दैट इज वॉट यू हैव टू थिंक ऑफ, एंड वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये समझ आया होगा आपको जो भी स्ट्रिंग पे ऑपरेशन हमने इसमें परफॉर्म किए। इन केस ऑफ एनी डाउट्स डू राइट इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।